हेलो, इस समय मैं दिल्ली T3 टर्मिनल पे हूँ। रांची जाने के लिए तैयार है। 2 बजे की हमारी फ़्लाइट है, 4 बजे रांची पहुँच जाएंगे। दिल्ली T3 दोपहर के समय कैसा लगता है वो आप देख लीजिए। आमतौर पे मैं प्रेफर करता हूँ सुबह की फ़्लाइट लूँ, लेकिन रांची मैंने सोचा कि दोपहर में 2 बजे की फ़्लाइट लेते हैं, हमारे लिए अच्छा रहेगा। चलिए अभी सामने चल के अपना लगेज दे देते हैं और झारखंड का टूर हमारा स्टार्ट करते हैं। ये इंडिगो ने ना नया सिस्टम स्टार्ट कर दिया है, जिसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं देख रहा हूँ कि अच्छा, ये इंडिगो का नहीं है, पूरे एयरपोर्ट का ही सिस्टम लग रहा है। टाइप 6 कैरेक्टर्स ऑफ योर PNR बुकिंग रेफरेंस। अभी हमारा जो फोर्थ पैसेंजर आने वाला है वो अपना इंडिपेंडेंटली कर लेगा 15 kg। थैंक यू। नो प्रॉब्लम सर, एक मिनट, उसके पीछे लगाना। अच्छा, पहले ये सब काम काउंटर पे होता था ना, बोर्डिंग काउंटर पे। पैसेंजर जब अपने से सीख जाते तो खुद से कर लेते। इसका हो गया? हाँ, चलो, वी आर गुड टू गो। थैंक्स सर। कितने घर याद है? अच्छा, लगेज तो रह गया था, ये भी तो देना। सर दूसरे बैग दीजिए। आगे सारा लगेज नहीं, दो बैग, दो पेंडिंग है। लो जी, जब भी लैंड करने का समय था ना, 10-15 मिनट से मैं नोटिस कर रहा था बारिश चल रही थी ऊपर। अब यहाँ से देखने से तो नहीं लग रहा बरसात, लेकिन हो सकता है अभी भी बारिश हो रही हो, बाहर चल के मालूम चलेगा। और मौसम यहाँ का बहुत बढ़िया है। 5-1 मिनट वेट करते हैं, अभी इनके यहाँ लगेज आ जाए फिर निकलेंगे यहाँ से। और वैसे हमारा प्लान ये है, रांची पहुँचने के बाद सबसे पहले होटल जाएंगे, चेक इन करने के बाद लगेज रूम तक छोड़ने के बाद हमारे पास 2-2.5 घंटे का टाइम होगा। थोड़ा सा स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं, क्योंकि घूमने जैसा तो मुझे लगता नहीं चांस बन सकेगा। बाकी कल हम रांची और सराउंडिंग एरिया में ही घूमने वाले हैं, तो कल हमारे पास सफिशियंट टाइम रहेगा, इनफैक्ट पूरा दिन रहेगा। अभी अपने होटल हम पहुंच गए हैं, एवियन ग्रैंड में रहने के लिए बुकिंग करवाई है। डबल ऑक्यूपेंसी में टैरिफ जो हम दे रहे हैं वो 4,000 समथिंग है, लिटिल ओवर 4,000 रुपीज़। वैसे इसका जो रेट है इस रूम का वो 5,500 रुपीज़ है। किसी रेफरेंस के थ्रू मेरे को यहाँ पे थोड़ा डिस्काउंट मिल गया। अब मैं ना आते सार लैपटॉप इसलिए खोल के बैठा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पर ना कैब सर्विस प्रोवाइडर जो है उसको एज अ पे ही ऐड करना है। आज मैंने मॉर्निंग में ही कैब फाइनल करी है 10-10:30 बजे की, हमने ये जर्नी किसके साथ करनी है। पहले जिसके साथ बात करी थी, बाद मालूम चलो उसका प्राइवेट व्हीकल है, फिर कमर्शियल व्हीकल ही चाहिए होती है हमको, जो येलो प्लेट वाली होती है ना। फिर थोड़ा एक्सप्लोर किया मैंने, इनफैक्ट कम्युनिटी पे पोस्ट भी किया ये लिख कर कि भाई मुझे प्लीज़ रेफरेंस बताओ जहाँ से हमको कमर्शियल व्हीकल मिल सके। तो कुछ लोग के रेफरेंस आए, वहाँ से फिर एक लिंक मिल गया हमको, राइट। तो अब ये मैं काम करता हूँ, फिर आपको कुछ देर में दोबारा ज्वाइन करता हूँ। जहाँ पर हम रुके हुए हैं ना, वहाँ से लगभग हमने 3-3.5 किलोमीटर का सफ़र किया और हम एक स्टॉल पे आए हैं। स्टॉल के ओनर हमारे साथ खड़े हैं, भोला जी। इस जगह को डोरांडा बोलते हैं? हाँ, डोरांडा तुलसी चौक बोलते हैं, नियर हाईकोर्ट। जब मैं प्लानिंग कर रहा था ना झारखंड आने के लिए, रांची आने के लिए, तो मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि आप यहाँ पर भोला लिट्टी पे जाइएगा, बड़ा मज़ा आएगा। तो कितने साल से आप यहाँ पर लिट्टी चोखा का काम कर रहे हैं? हम 89 से कर रहे हैं। काफी और उससे पहले हमारे पिताजी 56 से कर रहे थे। तो दोपहर में या कब स्टार्ट करते हो? दोपहर में तो नहीं, शाम का 4 बजे इसको स्टार्ट करते हैं। दिन भर
6-7 लड़का मिलकर इसका तैयारी करता है। तो हमें ना लिट्टी चोखा लेते हैं। हाँ जी। और फिर खाते खाते आपसे चर्चा करेंगे, इधर ही ले लें अच्छा रहेगा। हाँ हाँ लीजिए ना। ये देखो जी, पहला ही काम तो इन्होंने ये किया कि लिट्टी को फोड़ के ना घी में डिप कर दिया। डिप कर दिया। साथ में दो किस्म के चोखे दिए हैं, एक तो आलू का और एक टमाटर का। तो बोला जी एक चीज बताओ, इसमें चोखे में बैंगन नहीं नहीं लग रहा ना? नहीं। ये देखो गरम गरम एकदम, और ये अंदर सत्तू का स्टफिंग है ना? हाँ, सत्तू का स्टफिंग। अभी मैंने पीछे देखा ये साथ के साथ सत्तू अंदर स्टफ कर रहे हैं। और वही 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 गजब, क्या बात है, बहुत गजब। मैं आपको सीरियसली बताऊं, बोला जी जी दिल खुश हो गया। मैंने ना आज से पहले जी ये चीज ना कम से कम 4 बार पहले खाई है। ऐसा नहीं मैं लिट्टी चोखा पहली बार खा रहा हूँ, थोड़ा टाइम हो गया, बात अलग है वो। ठीक है ठीक। मैंने बनारस में खाया, पटना में भी खाया और कानपुर में भी खाया, शायद आज चौथी बार खा रहा हूँ। आपके इसमें लिट्टी चोखा में क्या मालूम फर्क है? अगर मैं बिना चोखे के भी खा लूँ तो भी स्वाद कंप्लीट है। हाँ, मतलब ये सब तो एक अलग गेम है, अलग है। तो आपने मतलब ये चीज बहुत गजब बना। तो ये मुझे बताओ, ये मसाले जो है लिट्टी का, हाँ जी, ये जो अंदर स्टफिंग आपने, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, सत्तू, सत्तू, ये सत्तू स्टफिंग में होता तो बहुत कुछ है, फिर भी मेन हमें कि सरसों के तेल का स्वाद आ रहा है। हाँ, सरसों का तेल है उसमें। और क्या है जिसे अच्छा लग रहा है? अदरक है, लहसुन है, मिर्ची है, प्याज है, धनिया पत्ती, सरसों का तेल है, मंगरेला, अजवाइन है, भुना हुआ जीरा का पाउडर है, इतना चीज को उसमें मिक्सर किया हुआ है। वही मैं सोच रहा हूँ, मुझे ना जिन जिन लोगों ने बोला ना यहाँ पर आके आप खाओगे बहुत मजा आएगा जी, उन सबको थैंक यू फॉर लवली फीडबैक। और एक बात और है, ऐसा धीमी धीमी बूंदाबांदी में खड़े होकर खाने का मजा आ रहा है। अलग है, अलग है। काम करते हैं, एक और ले लेते हैं। हाँ। अभी क्या है, इतना बढ़िया स्वाद हमको दोबारा कब मिलेगा क्या पता। हाँ, एक और खा लीजिए ना, रात का डिनर। एक और ले लेते हैं, थोड़ा सा मेरे को ये दीजिएगा, टमाटर का थोड़ा सा इधर चोखा। वाह जी वाह, थोड़ा सा और दे दो, ये चीज बड़ी मजेदार है। वाह, ओए होए भाई साहब, आज ना दिन बन गया हमारा। सोचो रांची आते सार सबसे पहली चीज जो हम खा रहे हैं वो यही है। आपके पास इतने लोग आए होंगे। हाँ, अभी हमारे जैसे बहुत यूट्यूबर भी आए होंगे और इसके अलावा भी लोग आए होंगे। हाँ, बहुत लोग आए। रॉकी मयूर का नाम आपको अच्छा, बताया, वो लोग भी लोग दूसरे बार 12 साल के अंदर आए। अच्छा, वो बड़े फेमस यूट्यूबर है। बहुत यूट्यूबर, बहुत फेमस है। उन्होंने बहुत पसंद से खाते हैं। अच्छा, आज की ये समरी बोला लिट्टी की ये बताता हूँ, ये जो स्वाद है ना ये आने वाले सालों साल तक मेरे को याद रहेगा, इतना मेरे को पसंद आया। तो बोला जी धन्यवाद, शुक्रिया, और दोबारा मौका लगा तो साल, 2 साल 3 साल में दोबारा जाएंगे आपके पास। एकदम आइएगा, और जब रांची आइएगा तो मेरे पास जरूर आइएगा। हम पहला दिन ही आदत खराब करते हैं। आदमी पब्लिक को यही बात, आदमी अगर 4 दिन रांची है तो 4 दिन खा के जाएगा। बहुत खूब। डिनर करने के लिए हम कावेरी रेस्टोरेंट आए हैं, जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ ना इसको मेन रोड बोलते हैं। चलता ट्रैफिक आप देख के अंदाज़ा लगा लो कि मेन रोड है तो बोले तो ट्रैफिक रहेगा रहेगा। और इसको चर्च कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, चर्च पास ही तो है, पास में ही है चर्च है, तो इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स का नाम भी चर्च कॉम्प्लेक्स है। सामने ऊपर कावेरी रेस्टोरेंट है, रांची का वन ऑफ द फेमस रेस्टोरेंट्स है। काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने बोला था आप यहाँ पर हो सके तो लंच या डिनर करना अच्छा रहेगा, तो हम पहुँच गए। हमने 2 चीज़ मंगाई है, ये है जी पनीर टिक्का बटर मसाला, ठीक है,
पनीर सही है यार, बड़ा बड़ा बड़े बड़े पीसेस काटे हैं पनीर के, नाइस। लो भाई ये आप शुरू करो। और साथ में मैं एक्सप्लोर कर रहा था क्या है नॉर्थ इंडियन में, तो सब कुछ है यहाँ पर, सब कुछ मतलब काफ़ी कुछ है यहाँ पे नॉर्थ इंडियन में। तो मैंने देखा कावेरी स्पेशल करके डिश थी, मेरे को ये ठीक लगी। तो ये कह रहे हैं इसमें पालक है, साथ में वेजिटेबल कोफ्ता। बाकी मेरे को वेजिटेबल कोफ्ता ऊपर तो नहीं दिख रहा, चलो नीचे होगा। और एज ऑलवेज मेरी प्रेफरेंस जनरली तवा चपाती की होती है। अच्छी बात यह है कि तवा चपाती हमें मिल गई है। आमतौर पे ना रेस्टोरेंट्स में कम ही होता है तवा चपाती मिले। बड़े कम शब्दों बोलूँ ना तो छा गए। तुमको कैसा लगा ये? सर ये बहुत अच्छा है। बहुत सही है ना? बहुत सही है। कैसा लगा? इस पनीर में थोड़ी स्पाइसी है। पनीर स्पाइसी? हाँ जी, स्पाइसी और मसाले ज्यादा है। मेरे को ना पनीर टिक्का बटर मसाला उतना ज्यादा स्वाद नहीं लग रहा जितना मेरे को ये कावेरी स्पेशल बढ़िया लगा है। हालांकि कोई कंपैरिजन नहीं है, देखो ये दोनों चीजें अलग हैं, लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया है, मुझे लगता है अगर 20 किस्म के खड़े मसाले होते हैं ना तो 20 में से 15 को पीस के ऐड कर दिया इसके अंदर। इसकी वजह से स्पाइस बहुत ज़्यादा है, तीखा है। स्पाइस मतलब तीखा, इसका मतलब ये नहीं कि अपने को पानी चाहिए, लेकिन गर्म मसाले काफ़ी ज़्यादा है। कुछ लोग को पसंद होते हैं, लेकिन जनरली मेरे को थोड़े से उतना ज़्यादा गर्म मसाले पसंद नहीं आते। पंकज भाई जी सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है इतना टेस्टी ग्रीन वेजिटेबल सब्जी मैंने पिछले एक साल में कहीं नहीं खाई। हाँ जी, हालांकि हो सकता है आपको लग रहा हूँ बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं सर, अब चीज इतनी बढ़िया लगी है तो कैसे नहीं बोले। ये मानना पड़ेगा फूड यहाँ का है तो गजब। अब डिनर फिनिश करके ना कुछ देर में आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। आज का दिन हमारा यहीं पे एंड हो रहा है। मैंने आपको बताया था ना हमारा होटल पास ही है, तो बस 5 मिनट में अपने होटल पहुंच जाएंगे। ज़्यादा तो आज हम कुछ कर नहीं सके क्योंकि हम 5:10 में तो अपने होटल पहुंचे थे, तो वो 3-4 घंटे का टाइम था। स्पेशली अंधेरा होने के बाद तो फिर कहीं घूमने भी नहीं जा सकते, और बरसात तो मैंने आपको बताया बीच बीच में हो रही है। चलो फिलहाल आपको यहीं पर बाय बाय करता हूँ। कल हम रांची में ही रहेंगे, रांची के नज़दीक में जो वाटरफॉल्स हैं, साइट सीइंग पॉइंट्स हैं वो विज़िट करेंगे, थोड़ा मार्केट भी घूमेंगे और फूड भी एक्सप्लोर करेंगे। बाय बाय, जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर योर टाइम।